प्रदेश से जुड़े एक राजनीतिक दल के संस्थापक भी हैं। इस कारण सरकार ने इसे पूरी संवेदनशीलता से लिया है। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे निकाला जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। मुकेश सहनी जी से बात की है और उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन पर बात की है। देखिए, आज सुबह ही जो घटना सामने निकल के आई, जो बातें सामने निकल के आई, मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या कर दी गई है धारदार हथियार से और उनका शव बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुकेश सहनी से फ़ोन पर बात की है। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को फ़ोन लगाया है, उनसे बातचीत की है, उनसे जाना है। उसके बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक को फ़ोन करके कहा है तुरंत एक्शन लीजिए। देखिए, नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से जो जानकारी निकल के आई है उसमें साफ साफ दिया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के असामयिक निधन पर गहरी शोक व्यक्त की है, जो हत्या उनकी कर दी गई है। और जीतन सहनी की हत्या अत्यंत दुखद घटना है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, नीतीश कुमार ने आदेश दिया। इसके अलावा संजय झा, जो कि जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि बिहार पुलिस दोषियों को सजा दिलाए ताकि जल्द से जल्द जो दोषी हैं वो सलाखों के भीतर हों, तत्परता से कार्रवाई हो और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, ये कहा है संजय झा ने। इसके अलावा विजय चौधरी, जो कि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री है, उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की है। लेकिन उन्होंने कहा है नीतीश कुमार ने फोन पर बातचीत की है वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से। क्या कुछ विजय चौधरी कह रहे हैं, जरा सुनिए। एक बहुत ही दर्दनाक आपराधिक घटना घटी है जिसमें मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई है और सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है। इसलिए भी कि वैसे तो किसी की भी हत्या सरकार के लिए या आम लोगों के लिए चिंता का विषय होता है और विशेष रूप से मुकेश सहनी जी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और इस प्रदेश से जुड़े एक राजनीतिक दल के संस्थापक भी हैं। इस कारण सरकार ने इसे पूरी संवेदनशीलता से लिया है और अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे निकाला जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। और आप सबको मालूम हो ही चुका होगा कि सरकार और पुलिस विभाग तो कार्रवाई शुरू से कर ही रही है, मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने मुकेश सहनी जी से भी सीधी बातचीत की है और उनसे भी समझना चाहा है कि वैसे तो पुलिस जांच कर ही रही है लेकिन अगर उनको भी किसी चीज़ की जानकारी है या अगर सूचना हो या पहले से किसी किस्म का अंदेशा हो तो उस सब चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की है और उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से भी जो बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी है कि जो अपराधी है जिसने इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया है उसे हर हाल में खोजा जाए, पकड़ा जाए और कड़ा दंड दिया जाए जिससे कि इस तरह के कृत्य करने वालों को इतनी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। भी गठन हुआ है और यही मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री ने जो स्वयं गंभीरता से संज्ञान लिया है कि स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की, स्वयं डीजीपी से बात की और इसमें एक एसआईटी जो कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम, एक मैंने डेडिकेटेड
पुलिस अधिकारियों का टीम बना के इस कांड के उद्भेदन के लिए उन्होंने विशेष जिम्मेदारी दी है। तो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री है विजय चौधरी, उन्होंने क्या कहा है हमने आपको सुनवाया है। नीतीश कुमार ने फोन पर बातचीत की है, तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये कहा जा रहा है कि अपराधियों के दिल से पुलिस का खौफ मिट गया है, ये सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष ने निशाना साधना शुरू किया है। खैर, मुकेश सहनी देर शाम को पटना पहुंचेंगे, वो मुंबई में थे और मुंबई से वो बाई फ्लाइट पटना आ रहे हैं, तो देखना होगा पटना आने के बाद वो क्या कहते हैं। उनके छोटे भाई संतोष सहनी वो दरभंगा पहुँच चुके हैं अपने पैतृक आवास पर जहाँ उनके पिता की हत्या की गई है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। एक बहुत ही दर्दनाक आपराधिक घटना घटी है जिसमें मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई है और सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है। इसलिए भी कि वैसे तो किसी की भी हत्या सरकार के लिए या आम लोगों के लिए चिंता का विषय होता है और विशेष रूप से मुकेश सहनी जी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और इस प्रदेश से जुड़े एक राजनीतिक दल के संस्थापक भी हैं। इस कारण सरकार ने इसे पूरी संवेदनशीलता से लिया है और अपराधी चाहे कोई भी हो उसे निकाला जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। और आप सबको मालूम हो ही चुका होगा कि सरकार और पुलिस विभाग तो कार्रवाई शुरू से कर ही रही है, मुख्यमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने मुकेश सहनी जी से भी सीधी बातचीत की है और उनसे भी समझना चाहा है कि वैसे तो पुलिस जांच कर ही रही है लेकिन अगर उनकी भी उनको भी किसी चीज़ की जानकारी है या अगर सूचना हो या पहले से किसी किस्म का अंदेशा हो तो उस सब चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रदेश से जुड़े एक राजनीतिक दल के संस्थापक भी हैं। इस कारण सरकार ने इसे पूरी संवेदनशीलता से लिया है। अपराधी चाहे कोई भी हो उसे निकाला जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। मुकेश सहनी जी से बात की है और उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।